कल जब दिव्य दरबार की शुरुआत हुई इस राजकोट के इसी रेसकोर्स मैदान पे, तो एक ऐसी झलक और ऐसी कहानी देखने को मिली जो अब तक इतिहास में ऐसे बाबा मंच पर कभी करते नज़र नहीं आए। इससे पहले पूर्वकालीन और वर्तमान में और भविष्य में ऐसा आएगा कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब अपना दिव्य दरबार चालू कर रहे थे, जिस समय चल रहा था, उस समय एक व्यक्ति जामनगर से आया। वो उस व्यक्ति का साफ तौर पर कहना था कि वह लंबे समय से अपने पिता की तलाश में है, जो 14 वर्ष पहले बस स्टॉप के पास खो गए थे। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अचानक उनके, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के हाथ में नोटों का बंडल दिखाई देता है। एक नोटों से भरा हुआ गठरी दिखाई देता है जो इस जामनगर के व्यक्ति को सौंप देते हैं। आखिर क्यों, आइए हम समझते हैं। दरअसल बात यह थी कि जामनगर से आया हुआ व्यक्ति लंबे समय से जाप कर रहा था और साधना और भगवान का एक मंदिर बनाने की चेष्टा लेकर यहाँ पर पहुँचा था। वो मनोकामना उस व्यक्ति के हृदय में थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने वाईफाई के माध्यम से उनको सिग्नल मिला कि इस व्यक्ति को बुलाना चाहिए। उन्होंने इसको बुला लिया। जामनगर का ये व्यक्ति मंच पर पहुँचता है और कहीं ना कहीं उसके आँखों में आंसू रहते हैं और भाव विभोर होकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से निवेदन करता है कि आप हमें सार्वजनिक तौर पर माइक पर बोलने के लिए ना कहें। उन्होंने माइक बंद करा दिया, वो अपना बात बोलना शुरू किए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना कुछ सुने समझे सारी बातें समझ गए सारी बात। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 14 वर्ष पहले आपके पिता खो गए थे। पिताजी अभी तक मिले नहीं हैं, वो स्थिर हैं, जीवित हैं और ठीक हैं, जल्द ही वो मिल जाएंगे। इसके अलावा मंदिर बनाने का जो आपका संकल्प है, उसके लिए दक्षिणा मैं देता हूँ। आज से शुरुआत हम करते हैं। दान दक्षिणा आपको नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है। अभी उन्होंने मन से आह्वान किया कि दक्षिणा आइए मुझे दीजिए, तो नोटों का बंडल, कई सारे लोग अपने अपने जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिए और करीब 5-7 लोगों ने वहाँ पर पैसे दिए। ऐसे करते हुए देखते ही देखते कब मिनटों में वो गठरी भर गई, जिस गठरी को लेकर जामनगर का व्यक्ति अब खुश और उस मंदिर निर्माण के लिए आगे बढ़ेगा। ये दृश्य देखकर लगभग संपूर्ण पंडाल में लाखों लोग स्तब्ध रह गए और कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सनातन धर्म के प्रति, मंदिर निर्माण के प्रति और एक जामनगर के एक आम उनके भक्त के प्रति जो उदारता है, जो मंदिर निर्माण के प्रति चेष्टा है, वो दिखाई दे गई और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाली मनोचेष्टा, मनोभावना, इच्छा शक्ति, वो भी प्रबल नजर आई। इस पूरे कार्यक्रम में ये पूरा दृश्य अत्यधिक दिलचस्प रहा और काफ़ी वायरल भी रहा।